गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पिछली कक्षा में मार्क्सवाद हम पढ़ रहे थे और मार्क्स में किस तरह से हमने जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ा था और ये बताया था कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जिसमें मार्क्स जो है समाज में दो वर्गों को मानता है और समाज की प्रत्येक अवस्था में इन दो वर्गों में निरंतर वर्ग संघर्ष व्याप्त रहता है क्योंकि दोनों जो है अपने अपने हितों के लिए निरंतर उसमें वृद्धि में लगे रहते हैं। तो इस कारण से मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो समाज में प्रत्येक अवस्था में दो विरोधी वर्ग मिलते हैं जिनमें निरंतर अपने हितों के लिए संघर्ष रहता है। तो देखिए, इस प्रकार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बाद में जो आपके अगला टॉपिक आता है मार्क्स का, वो आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में सरप्लस वैल्यू भी कहते हैं। तो देखिए, आज की कक्षा का हमारा जो मार्क्स का अगला टॉपिक है वो है मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो देखिए, मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में किस प्रकार से ये बताया है कि जो ये सिद्धांत श्रम के सिद्धांत पर आधारित है और मार्क्स ने ये बताया है कि किस प्रकार जो है श्रम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रम के आधार पर ही उसने किस प्रकार से जो है विनिमय मूल्य और किस प्रकार से उसने लागत मूल्य में अंतर जो है उसने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। तो इस प्रकार हम आज का आपका टॉपिक पढ़ते हैं मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो देखिए, आज की कक्षा का टॉपिक है आपका मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो देखिए, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और मार्क्स ने जो है ये विचार, तो देखिए मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का विवेचन मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन अपनी प्रमुख पुस्तक दास कैपिटल में किया है। अपनी प्रमुख पुस्तक दास कैपिटल में, इंग्लिश में लिखते हैं दास कैपिटल, अपनी प्रमुख पुस्तक दास कैपिटल में किया है। दास कैपिटल में किया है और पूंजीवाद के संबंध में कैपिटल में किया है और मार्क्स ने पूंजीवाद के संबंध में मार्क्स ने पूंजीवाद के संबंध में उसका
एक महत्वपूर्ण विचार है संबंध में, मार्क्स ने पूंजीवाद के संबंध में अपना एक महत्वपूर्ण विचार दिया है संबंध में अपना एक महत्वपूर्ण अपना एक महत्वपूर्ण विचार दिया है जिसे हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जिसे हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए, मार्क्स का ये जो विचार है उसने अपनी मुख्य पुस्तक दास कैपिटल में दिया है और मार्क्स ने इसका विशद विवेचन किया है। तो देखिए, मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में जो है प्रमुख रूप से जो पूंजीवाद के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए और उसने इन महत्वपूर्ण विचारों को जो है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का नाम दिया। तो देखिए, मार्क्स ने पूंजीवाद की जो बुराइयां थी, पूंजीवाद में जो दोष व्याप्त थे, उन दोषों के परिणाम स्वरूप उसने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का नाम दिया और पूंजीवाद के कारण जिस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रमिक वर्ग की स्थिति जो है बहुत ही निम्नतर और बहुत ही दयनीय होती जा रही थी, और जो कि पूंजीवाद का प्रमुख यंत्र क्या है, किस प्रकार से जो है श्रमिक वर्गों का शोषण करना। तो देखिए, पूंजीवाद में हम श्रमिक, किसान वर्ग और निम्न वर्ग का शोषण हम देखते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में हमें ये सब देखने को मिलता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबों का, किसानों का शोषण होता है। तो इस प्रकार मार्क्स इन सब बुराइयों से, पूंजीवाद की बुराइयों से पूरी तरह से जो है परिचित था और मार्क्स ने इसके फलस्वरूप अपने एक नए सिद्धांत का सृजन किया, निर्माण किया, जिसे हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। और मार्क्स ने इस सिद्धांत को श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित माना है। तो हम देखते हैं कि मार्क्स ने इसे समझने के लिए जो है मूल्य के श्रम सिद्धांत पर मार्क्स ने इस सिद्धांत को समझने के लिए श्रम के मूल्य सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से बल दिया है। तो देखिए, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझने के लिए कहा है कि श्रम के मूल सिद्धांत को समझना मूल्य के श्रम सिद्धांत को समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, मार्क्स जो है श्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है और ये कहता है कि जो मजदूर को पारिश्रमिक मिलता है वो श्रम करने पर मिलता है और श्रम करने पर ही वो क्या करता है, अपनी आजीविका चला पाता है।
तो मार्क्स ये कहता है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझने के लिए हमें श्रम जो है मूल्य के श्रम सिद्धांत को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मूल्य का श्रम सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति को श्रम करने पर ही क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, और व्यक्ति श्रम मेहनत करने पर ही जो है उसे परिणाम मिलता है। तो देखिए, व्यक्ति श्रम करता है और श्रम करने के बाद में उसे अपनी दो वक्त की रोटी जो है, उसे जो कुछ भी मिलता है उससे वो अपनी दो वक्त की रोटी का गुजारा चलाता है। तो मार्क्स ये कहता है कि मजदूर परिश्रम करता है, लेकिन जो परिश्रम करता है उसे उसके परिश्रम के अनुरूप उसे मेहनताना या उसे जो भी पारिश्रमिक या उसे जो वेतन मिलता है वो वेतन उसे नहीं मिलता जो उसका श्रम वो जिस प्रकार से करता है। तो मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा ये कहता है कि जो मजदूर है, श्रमिक वर्ग है, उनको अपनी मेहनत के अनुरूप जो है वो उन्हें वेतन नहीं मिल पाता, और जो उन्हें वास्तव में जो मिलना चाहिए वो पूंजीपति की जेब में जाता है, उससे पूंजीपति जो है अपना मुनाफा अधिक से अधिक जो है कमाता है। तो मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा ये बताता है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है, ये अतिरिक्त मूल्य श्रमिक वर्ग के श्रम के द्वारा ही अर्जित किया जाता है, श्रमिक वर्ग ही अपनी मेहनत से इस अतिरिक्त मूल्य को क्या करता है, इसका निर्माण करता है, इसको सृजित करता है, लेकिन ये अतिरिक्त मूल्य किसकी जेब में जाता है, पूंजीपति की जेब में जाता है, क्योंकि श्रमिक वर्ग को, मजदूर को उसकी मेहनत के अनुरूप उसे जो है पारिश्रमिक या वेतन नहीं मिल पाता, और ये किसकी जेब में जाता है, पूंजीपति की जेब में जाता है, और पूंजीपति जो है दिन प्रतिदिन और अधिक जो है अमीर बन जाता है। तो मार्क्स ने इस शोषण को समझा और अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा उसने इसे पूरी तरह से इसका विशद और व्यापक रूप से उसने विवेचन किया और अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया। तो देखिए, मार्क्स जो कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत श्रम के सिद्धांत पर आधारित है, और श्रम का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है श्रमिक वर्ग मेहनत करता है, मेहनत करने के बावजूद भी उसे अपना जो है वेतन मिलता है, मेहनत के अनुरूप नहीं मिलता है, क्योंकि वो अतिरिक्त मूल्य किसकी जेब में जाता है, वो अतिरिक्त मूल्य जाता है पूंजीपति की जेब में, और जिससे जो मुनाफे में, मार्क्स ही कहता है कि मुनाफे में जो है मजदूर का भी क्या होता है, हिस्सा होता है, जो कि पूंजीपति उसे नहीं देता, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है, पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिक वर्ग के शोषण पर आधारित है, और इसमें जो है पूंजीपति जो होते हैं वो मुख्य रूप से जो है शोषण करते हैं श्रमिक वर्ग का, मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का, जिससे उनकी जो स्थिति होती है वो निरंतर दयनीय, शोचनीय और बहुत ही निम्न होती चली जाती है। तो इस प्रकार मार्क्स जो है इस बात का पूरी तरह से जो है प्रतिकार करने की प्रयास करता है, किस प्रकार से उनकी स्थिति में सुधार आए, श्रमिक वर्ग की, निम्न वर्ग की, मजदूर वर्ग की स्थिति वो जो दयनीय, दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जा रही है, उसमें किस प्रकार से सुधार हो। तो मार्क्स ये कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में मार्क्स बताता है कि अतिरिक्त मूल्य पर जो है किसका हक होना चाहिए, श्रमिक वर्ग का होना चाहिए, जो कि पूंजीपति की जेब में जाता है। तो देखिए, अब मैं आपको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताता हूं। अतिरिक्त मूल्य क्या है, तो देखिए, अतिरिक्त मूल्य जो है देखिए, मैं अतिरिक्त मूल्य को एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं किस प्रकार से। मान लीजिए, उदाहरण के लिए
आपने एक पुस्तक, एक किताब आपने बाजार से खरीदी और उस पुस्तक का जो मूल्य है, उस पुस्तक का मूल्य है 95 रुपए। तो देखिए उदाहरण के लिए एक पुस्तक आपने खरीदी जिसका विनिमय मूल्य या विक्रय मूल्य, बेचने की उसकी कीमत या विक्रय मूल्य 95 रुपए है। और एक मजदूर को उस पुस्तक का निर्माण करने के लिए उसे मजदूरी 20 रुपए मिले, 20 रुपए मिली। और हम देखते हैं कि ये तो हो गया विनिमय मूल्य, विक्रय मूल्य, और जो है मजदूरी, मजदूर को 20 रुपए मिली, और उस पुस्तक को बनाने में या उसकी लागत या उसका लागत मूल्य का मतलब पुस्तक जिस भाव में पड़ी उसे हम क्या कहते हैं, उसका लागत मूल्य। तो पुस्तक को बनाने में या उसकी जो लागत मूल्य, जो उसकी कॉस्टिंग आई, वो कॉस्टिंग आई 40 रुपए, लागत मूल्य 40 रुपए है। तो देखिए जो हम अतिरिक्त मूल्य निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास में 3 फिगर हैं। विनिमय मूल्य यानी विक्रय मूल्य, आपने किताब 95 रुपीज में बाजार से खरीदी और जो मजदूर है उस मजदूर ने उस पुस्तक का निर्माण किया और किस प्रकार से उसने उसकी बाइंडिंग करी और कुछ भी किया, उसका उसने मजदूरी उसे 20 रुपए मिली। और किताब को बनाने में उसकी कॉस्टिंग प्राइस क्या आई, 40 रुपए। उसका लागत मूल्य क्या आया, कॉस्टिंग प्राइस 40 रुपए आई। तो देखिए अतिरिक्त मूल्य जो हम निकालेंगे, तो अतिरिक्त मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे, अतिरिक्त मूल्य का सूत्र इस प्रकार से, देखिए अतिरिक्त मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे, विनिमय मूल्य माइनस लागत मूल्य जिसमें मजदूरी भी शामिल है। तो देखिए विनिमय मूल्य तो 95 है और लागत मूल्य और मजदूरी ये है 60 रुपए, 40 और 20, लागत मूल्य तो 40 है और मजदूरी भी इसी में आएगी, कॉस्टिंग प्राइस में 60 रुपए, कि पुस्तक को बनाने में कितने पैसे लगे 60 रुपए और बेची 95 रुपए में, तो ये 35 रुपए जो है बराबर 35 रुपए, ये क्या है अतिरिक्त मूल्य। तो देखिए अतिरिक्त मूल्य क्या है, 35 रुपए। अतिरिक्त मूल्य ये क्या है, 35 रुपए जो है अतिरिक्त मूल्य है, क्योंकि उस वस्तु को बनाने में 60 रुपए खर्च हुए पूंजीपति के, 20 रुपए मजदूर को दिए,
और 40 रुपए जो है उसकी कॉस्टिंग प्राइस हुई कि वो उसे कितने में पड़ी पूंजीपति को, तो ये 60 रुपए तो उसने अपनी जेब से खर्च करे और 95 रुपए उसका विक्रम मूल्य विनिमय मूल्य लिया। तो देखिए हम कहते हैं कि विनिमय मूल्य क्या है, अतिरिक्त मूल्य क्या है, विनिमय मूल्य और लागत मूल्य या मजदूरी या मजदूर के जो वेतन दिया जाता है उसके बीच का अंतर हम कहते हैं अतिरिक्त मूल्य। तो देखिए इन दोनों के बीच का विनिमय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अंतर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से 95 रुपए में वो पुस्तक बेची गई और उसकी जो कॉस्टिंग प्राइस और मजदूर को वेतन दोनों शामिल किया गया इसमें 60 रुपए। तो इस प्रकार से उस पुस्तक का अतिरिक्त मूल्य क्या हो 35 रुपए, जो कि किसकी जेब में गया, पूंजीपति की जेब में गया। तो मार्क्स ये कहता है अतिरिक्त मूल्य क्योंकि मजदूर के श्रम से ये अर्जित किया जाता है तो इस पर जो है किसका अधिकार होना चाहिए, श्रमिक वर्ग का, जो है मजदूर का इस पर अधिकार होना चाहिए, जबकि ये अतिरिक्त मूल्य किसके जेब में जाता है, पूंजीपति की जेब में जाता है। तो मार्क्स इस प्रकार से ये कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत शोषण पर आधारित है जिसमें पूंजीपति जो है श्रमिक वर्ग के श्रम को जो है किस प्रकार से जो है वो उसको आंकता है और उसके श्रम के बराबर उसे मजदूरी नहीं मिल पाती। इस प्रकार से मार्क्स जो है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर श्रमिक वर्ग का शोषण होता है और ये जो विचारधारा है ये शोषण पर आधारित है। तो इस प्रकार मार्क्स जो है इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था की जो भी इसमें कि ये शोषण पर आधारित है कि इसकी जो भी इसमें कमियां है उनको बताता है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है और इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स जो है पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों को स्पष्ट रूप से उसकी कमियों को आलोचनात्मक रूप से उसको विश्लेषित करता है। तो देखिए आपके परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, तो मैं आपको इसकी परिभाषा लिखवाता हूं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। आपके परीक्षा में सदैव ये प्रश्न जो है बारी बारी से पूछा जाता है आपको हमेशा, ये तो प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखिए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की परिभाषा 20 से 25 शब्दों में देनी होती है आपको। 2 नंबर का प्रश्न आता है और कई बार 5 नंबर में भी आ जाता, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत उसमें लैंग्वेज पढ़ा देनी है। तो देखिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, तो देखिए विनिमय मूल्य तथा लागत मूल्य, या मजदूर को मिलने वाले वेतन के बीच के अंतर को विनिमय मूल्य तथा लागत मूल्य या मजदूर को मिलने वाले वेतन के मूल्य के बीच के अंतर को हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। वेतन के मूल्य के बीच के अंतर को हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। देखिए इस प्रकार से अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मजदूर को मिलने वाला वेतन, लागत मूल्य या विनिमय मूल्य के बीच के जो अंतर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अतिरिक्त मूल्य में जो है विनिमय मूल्य तथा लागत मूल्य या मजदूर को मिलने वाले वेतन के बीच के अंतर को हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। तो इस प्रकार मार्क्स
अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में ये बताता है कि यह जो अतिरिक्त मूल्य है श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम है, अतः उसे ही प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए मार्क्स का ये मानना है, तो देखिए मार्क्स का यह मानना है, मार्क्स का यह मानना है कि अतिरिक्त मूल्य श्रमिक वर्ग के श्रम से ही उत्पन्न होता है, श्रमिक वर्ग के श्रम से ही उत्पन्न होता है, अतः उस पर श्रमिक या मजदूर वर्ग का वर्ग को ही प्राप्त होना चाहिए, मजदूर वर्ग का ही अधिकार होना चाहिए। लेकिन उत्पादन के साधनों पर उनका स्वामित्व न होने के कारण यह है पूंजीपतियों के पास जाता है, तो देखिए उत्पादन के साधनों पर उनका स्वामित्व न होने के कारण यह पूंजीपतियों के पास जाता है, और ये अतिरिक्त मूल्य जो है श्रमिक वर्ग के श्रम से उत्पन्न होने के बावजूद भी पूंजीपति जो है उसे हड़प लेता है, क्योंकि श्रमिक वर्ग जो है उन साधनों के स्वामी नहीं है, जो कि किस प्रकार हम देखते हैं कि पूंजीपतियों के पास में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होने के कारण ये उनकी जेब में चला जाता है। तो देखिए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स जो है तीन नियमों को बताता है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में निम्न तीन नियम बताता है। पहला नियम है कि पूंजी का संचय सिद्धांत, इसमें पूंजीपति सदैव धन का संचय करता है, अगला है
पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत। तो देखिए पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत, पूंजी के केंद्रीय करण का सिद्धांत के पूंजीपति, कुछ लोगों के हाथों में होगी पूंजी, पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत जिससे पूंजी का स्वामित्व कुछ लोगों के हाथों में ही आ पाएगा। तो इस प्रकार से केवल कुछ ही व्यक्तियों का एक अधिकार हो जाएगा, इस तरह से पूंजीपतियों का अंत की बात मार्क्स करता है। अगला है कष्टों की वृद्धि का सिद्धांत। तो देखिए कष्टों की वृद्धि का सिद्धांत, कष्टों की वृद्धि का सिद्धांत, तो देखिए इसमें कि श्रमिक वर्ग के कष्टों में जो है निरंतर, श्रमिक वर्ग के कष्टों में शोषण के द्वारा, श्रमिक वर्ग के कष्टों में निरंतर वृद्धि होने से भविष्य में क्रांति होगी। तो देखिए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स तीन नियमों की बात करता है, पूंजी का संचय, कि पूंजीपति सदैव धन का संचय करता है और वो है अधिक से अधिक पूंजी के संचय करने में ही लगा रहता है, और जो है किस प्रकार से वो अपने उत्पादन को निरंतर बढ़ाता है। पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत, कि पूंजी का केंद्र कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में पूंजी आएगी जिससे पूंजीपतियों का धीरे धीरे जो है सफाया हो जाएगा, कुछ ही लोग स्वामी रह पाएंगे। कष्टों की वृद्धि का सिद्धांत, कि पूंजीपति के शोषण के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग के कष्टों में निरंतर वृद्धि होगी जिससे क्रांति की संभावना बढ़ेगी और पूंजीपति का धीरे धीरे जो है विनाश हो जाएगा, पूंजीपति जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत श्रम के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें मार्क्स ये मानता है कि जो है अतिरिक्त मूल्य पर जो है किस प्रकार से जो है श्रमिक वर्ग का ही अधिकार है और वास्तव में यह पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है।